नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैंने डेरिवेटिव डेटा पर नहीं बनाया है, कुछ दिन से नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा दूसरे काम से बिजी हूँ। प्लस एट द सेम टाइम अभी इलेक्शन का इवेंट है, तो डेटा किसी का क्या डायरेक्शन में बायस जाना कि FII या प्रॉप या क्लाइंट्स का, थोड़ा सा इस समय बेस्ट है टू सेट असाइड ट्रेडिंग पोजिशन बनाना। मेरे हिसाब से तो फ्रेश ट्रेड वेट करनी चाहिए। यस, आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी करो, बट हैवी एक्सपोजर डेफिनेटली ओवरनाइट बिफोर द रिजल्ट बहुत डेंजरस होता है आइदर से। नाउ आज का जो वीडियो बनाया है मैंने, ये मेन पर्पस है कि आप हम सबके पास पोर्टफोलियो होता है, कैश बाइंग स्टॉक्स होते हैं, किसी का स्मॉल कैप हैवी होता है, किसी का मिड कैप हैवी होता है, किसी के लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियोज होते हैं। तो हम पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना आगे वाले इवेंट को लेके, इन केस देर इज अ मैसिव सेल ऑफ इन द मार्केट या ऐसा कुछ भी होता है, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन चाहिए कि यस जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा कुछ। एक तो मैंने आज ये एक आइडिया अपने किया, ये हमें कल करना पड़ेगा फ्राइडे क्लोज के पहले, क्योंकि सैटरडे मंडे सुबह एग्जिट पोल का ऐसे ही रिएक्शन आ जाएगा मार्केट में। सो यू आपको हमें वो प्रोटेक्शन चाहिए फॉर बोथ मंडे एंड ट्यूसडे इन केस देर इज सम डाउन मूव टू। ये सिर्फ पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए है, नॉट फॉर डेरिवेटिव ट्रेड्स एग्जिस्टिंग, नाइदर फ्रॉम अ इनकम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला बात। दूसरी बात, अगर आपको ये पसंद आया है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है नहीं इससे बेटर मेरे पास है स्ट्रेटेजी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके उसे भी ऐड करिए कि आपके हिसाब से क्या ऑप्शन हेज हो सकता है जिसको हम ऐसा कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ। तो अगर मैं मार्केट में थोड़ा सा अपना डाउनवर्ड प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ पोर्टफोलियो को, तो ये यहाँ हमें, मैं बेरिश साइड में गया, मैंने लॉन्ग पुट किया, और लॉन्ग पुट जो मैं कर रहा हूँ वो मैं 27 जून का कर रहा हूँ। याद रखिए इस समय आईवीज बहुत आए, विक्स इस समय 24 का है और बहुत बहुत आए आईवी है, मतलब इतना मना जबरदस्त प्रीमियम चल रहा है। बैंक निफ्टी एट द मनी के कॉल पुट में 1000 1100 का प्रीमियम है, मतलब आप थोड़ी देर भी अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो जबरदस्त प्रीमियम का फॉल का डर लगता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो मैं जून 27 मंथली सेटलमेंट का निफ्टी का कॉल पुट बाय करूंगा 27 का, ये इस इधर में। बट याद रखिए मैं ये फिन निफ्टी में नहीं करने वाला हूँ, बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल नहीं करूंगा बिकॉज उसके मंथली एक्सपायरीज में इतनी लिक्विडिटी नहीं है, और मिड कैप सेलेक्ट में भी नहीं करूंगा। जो भी मुझे हेज करना है आई विल यूज द निफ्टी फॉर अ प्रॉपर इन, और राउंड फिगर मार्केट बंद हुआ है हमारा स्पॉट 22557, फ्यूचर 22663 हमारे जून फ्यूचर का प्राइस। सो 500 पॉइंट नीचे, बिकॉज अगर 200 300 पॉइंट का प्रोटेक्शन ऑन एन इवेंट कोई माने नहीं रखता, हमें थोड़ा बड़ा प्रोटेक्शन चाहिए टू लुक एट पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग। दूसरी बात, इसीलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ। तो एक अगेंस्ट एवरी लॉट मल्टीपल, एक लॉट अगर 22,000 का पुट लेता हूँ, 311 रुपया है, अनडिफाइंड है, मैक्स रिस्क मेरा पर ट्रेड 7,794 हुआ। तो मतलब अगर हम 1 लाख रुपया का पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ 5% और अ 7% डाउन रिस्क, तो ये थोड़ा सा अब मुझे उस हिसाब से एक्सपेंसिव लगता है कि यार ये तो मेरा उतना पैसा डूब जाएगा इस केस में। तो मैं सामने से शॉर्ट पुट करूंगा, शॉर्ट पुट, और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक की एक्सपायरी ले रहा हूँ, सेम स्ट्राइक बट ऑफ 6 जून। नाउ इसका मेरा लॉजिक ये है इसमें कि रिजल्ट के बाद हम एक आईवी क्रैश देखेंगे, नॉर्मल इवेंट होता है वो, कि अनलेस बहुत खराब, बहुत बहुत खराब एंटिसिपेशन है मार्केट का और लोअर जबरदस्त गिरता है नीचे, तो मैं एक 1:1 करूंगा कैलेंडर स्प्रेड, जून मंथ का 22,000 पुट लॉन्ग, जून 6 जून का 22,000 सेम स्ट्राइक का पुट शॉर्ट करूंगा। तो
ये रहा मेरा पे ऑफ चार्ट, एक इन्वर्टेड वी है, आप देख सकते हो। सो नाउ अब मेरा जो मैक्स रिस्क है वो 5,800 के पास है। बट माइंड यू, ये 5,800 का जो सॉरी जो डिफरेंस हुआ दोनों में, 5,800 9,000, ये 3,400 का जो मैक्स रिस्क है, ये कब होगा मैक्स रिस्क? ये मैक्स रिस्क होगा जब निफ्टी 20,980 के नीचे चला जाए, 980 के नीचे चला जाएगा, तब मुझे वो होगा, मुझे मेरा रिस्क पूरा कैप्ट हो गया, माना वॉट एवर जो मैंने प्रोटेक्शन सोचा था उसके बाद का जो पोर्टफोलियो डैमेज होगा वो अलग होगा। और अपसाइड में 23,000, मैं इतना वेट नहीं करूंगा, 23,261 का बिल्कुल वेट नहीं करने वाला हूँ उसके लिए। तो मैं अभी आता हूँ उसको मैं कैसे यूज करूंगा। सो हियर आप देख सकते हो 14,000 का एस्टिमेट मार्जिन स्पैन है, आप एक बार उसको 16,000 पकड़ लो, 15 भी नहीं, 16,000 का एक बार आप एंटिसिपेशन कर लो उसको, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है। और इसमें मैक्स यील्ड आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर डाउनसाइड हुआ तो 80% बताता है, और यील्ड टर्म्स में काफी डिसेंट है ये वाला। अब इसमें हमें तीन सिनेरियोज है हमारे सामने। पहला सिनेरियो जो बनता है वो ये है कि मार्केट ट्यूसडे, ओके, ये मंडे के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ट्यूसडे ओपन्स स्ट्रॉन्ग, ओके, काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट खुलती है, स्क्वायर ऑफ कर दो इसको, पूरा स्क्वायर ऑफ कर दो। आपका जो लॉस है इसमें, मेरा जो लॉस होगा वो जो 22,000 पुट इस वीक की है, देखिए कितना इतना बड़ा एक्सपायरी है, सामने 4 हफ्ता है और डिफरेंस सिर्फ 90 रुपया का है दोनों का केस में, तो ये 215 तो फुल स्पीड में क्रैश हो, एक तो आईवी क्रैश, ऊपर से इसमें जबरदस्त डेल्टा इंपैक्ट गामा इंपैक्ट पूरा का पूरा आईवी क्रैश आएगा। और जो जून वाला है, यस उस पर भी होगा, बट उसमें पूरा महीना है मेल्ट होने के लिए, तो द इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग उधर उतना नहीं होगा, दोनों में होगा आपका, हमारा जो लॉस होगा इस ट्रेड में वो कम होगा। सो एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम आप समझो आप मार्केट को दे रहे हो कि इन केस इट इज अ बैड कैल, तो ओपन स्ट्रांग हुआ तो ये करना है हमें। दूसरा, ट्यूसडे को ओपन्स वेरी वीक, माना एक जबरदस्त डंप आती है मार्केट में एंड कंटिन्यूस टू बी वीक, ओके, एंड कंटिन्यूस टू बी वीक। तो इस केस में आप और मैं इसमें एक ही काम कर सकते हैं कि वेट करेंगे, अगर जमजे सीधा ही 22,000 खुलता है तो इमीजिएटली एक 2,900 का पुट खरीद लेने का है, 2,900, 21,900 का, एक लेग लोअर, बिकॉज हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए वो 2,980 के केस में, वो भी वेट करेंगे टिल 9:45 10 o'clock, और फिर वो पुट ले लेंगे, या तो आपका आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन से नीचे चला गया और निकल जाओ, नहीं तो एक पुट खरीद लो 2,900 ऑफ जून 6 एक्सपायरी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस मैकेनिज्म रखना पड़ेगा कि इन केस देयर इज अ शार्प बाउंस बैक आप उससे निकल जाओ, उसका आपको एक ट्रेल स्टॉप लॉस मैकेनिज्म निफ्टी स्पॉट के हिसाब से करना पड़ेगा, तो ये उसका होगा। आप तीसरा सिनेरियो होता है कि ट्यूसडे को मार्केट गोज वीक, ओके, माना 100 पॉइंट नीचे खुलता है, गोज वीक एंड फॉल्स स्लोली बट नो रिकवरी, मतलब डिप डिप डाउन किए जा रहा है मार्केट, रिकवरी का नाम नहीं ले रहा, स्लोली जा रहा है, ये ट्रेड को मैं पूरा होल्ड करूंगा, नहीं निकलूंगा जब तक मुझे रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं आएगा कि बॉटम बन गया या कुछ भी ऐसा हुआ रिवर्स कर। उसमें हमारा डबल एडवांटेज है, पहला एडवांटेज ये कि ये पूरा हम थर्सडे तक इसको होल्ड करेंगे, ट्रेड को थर्सडे को इसको जीरो में एंटिसिपेट करेंगे, और जो भी इसका गेन्स होगा बिकॉज ये तो स्ट्रांग रहेगा उसको खाएंगे, ऑल्टरनेटली उस दो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली ऑल्टरनेटली थर्सडे 6 को 13 जून का, 13 जून का एक पुट शॉर्ट कर देंगे, एक पुट शॉर्ट कर देंगे नीचे का, विच विल बी उस पर भी मैं आता हूं आपको, 13 जून का हम कैसे उसको शॉर्ट करेंगे अगर देर इज अ कंटिन्यू। सो ये तीन सिनेरियोज है, पहला वाला मार्केट सुपर स्ट्रांग खुलता है,
स्ट्रॉन्ग अपसाइड निकल जाती है हमारी मार्केट, तो हम सिंपल इसको ऑफ करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम डन, ज्यादा डैमेज नहीं होगा। दूसरा, बहुत वीक खुलता है नियर 22,000, तो भी बाय अप, थोड़ा सा नीचे का एक पुट खरीदना है। अगर ऐसे भी वीक खुल रहा है, नीचे जा रहा है, तो कंटिन्यू होल्डिंग द ट्रेड। 22,000 के ऊपर अगर बंद हो रहा है तो उसको हम वैसे एडजस्ट करेंगे। अब हम आते हैं कि इस ट्रेड को हम अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, मुझे ऑन 6th of June, तो मैं इसको कैसे करूंगा। उसके लिए अभी चलते हैं एक बार ऑप्शन ग्रीक्स में, और यहाँ आप देखो जो मैंने दो स्ट्राइक पकड़े, 22,000 मंथली वाला वो 30 डेल्टा है, और 22,000 वीकली वाला वो भी लगभग 30 डेल्टा है। सो मैं डेल्टा न्यूट्रल कैलेंडर स्प्रेड बना रहा हूँ, डेल्टा न्यूट्रल। तो ऑन 6th ऑफ, अगर समझे डाउनवर्ड ही रहता है मार्केट, माना रिकवरी भी नहीं दिखा रहा है, 22,000 का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो मैं 22,000 मंथली वाला जो है मेरा मंथली वाला स्ट्राइक, ये वाला 22,000 पी मंथली ऑन 6th, इसका जो डेल्टा होगा, ओके, डेल्टा प्रीमियम नहीं, डेल्टा, उसका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डेल्टा ऑफ 13th जून के स्ट्राइक, पी स्ट्राइक को मैं शॉर्ट करूंगा, पी स्ट्राइक को शॉर्ट करूंगा उस दिन। अगेन एम्फेसिस देखिए, मेरा जो एम्फेसिस है वो 1:1 है, ओके, एंड दिस इज अ प्रोटेक्शन ट्रेड मैं कर रहा हूँ, ये इनकम बेस्ड ट्रेड नहीं है, ये टोटली पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन है। मैं चाहता था तो इसको 1:2 कर सकता था एक नीचे का स्ट्राइक करके, बट उसमें मार्जिन बढ़ जाएगा, और अगर 1:2 में अगर स्पेशली 22,000 को तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इन केस बहुत जोर से गया तो वो एडजस्ट करने में बहुत बहुत तकलीफ हो जाएगी, ट्रेडर को नहीं संभाल पाएंगे उस ट्रेड को, तो वो उससे बेटर 1:1 करो। बहुत ज्यादा कॉस्ट कम करने की इसमें क्या होता है, अगर आप इसका बहुत ज्यादा कम कॉस्ट कर दोगे, जैसे 1:2 किया, या कोई नियर स्ट्राइक आपने शॉर्ट कर दिया ऑफ 6 जून, तो आपका रेंज भी छोटा हो जाता है कवर का। अगेन माइंड यू, फिर से रिमाइंड करता हूँ, दिस इज नॉट अ इनकम जेनरेशन स्ट्रेटेजी, ये एक हेज स्ट्रेटेजी है, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन है, जस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ट्यूजडे तक का, अगर मार्केट ऊपर गया, और अगर नीचे गया तो इसको हम कैसे संभालेंगे पूरे कोर्स ऑफ टाइम में, कि हमारा जो डैमेज हो रहा है पोर्टफोलियो को, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यस, मैं इस केस में, अगर आप बोल रहे हो कॉल शॉर्ट क्यों नहीं करके जाऊं, तो वो भी कर सकता हूं। इसमें मैं एक सिंपल काम कर सकता हूं कि जितना का मैंने कॉल पुट शॉर्ट किया है नीचे का, या इसको मैं और थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं, अगर समझिए आई डू दिस टू 21,500 का पुट शॉर्ट कर दिया, 110 रुपया का, यहाँ पर ऑफ कोर्स रिस्क बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है बट रिस्क बहुत बढ़ रहा है, और साथ में मैं एक कॉल को भी शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं एक सेकेंड, शॉर्ट कॉल से 23,000 का कॉल जून 6 का, नहीं बहुत महंगा है कॉल, डेल्टा भी बहुत हाई है, तो दिस इज टू एक्सपेंसिव, तो हमें 23,500 का डेल्टा खोजना पड़ेगा, हम मॉडिफाई करना। यस, तो 37, अगेन अगेन थोड़ा महंगा है, थोड़ा ये वाला सिनेरियो, तो इसको करना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर आप ऐसा, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, आई सेल अ ट्रायंगल एंड आई बाय अ पुट फॉर प्रोटेक्शन, मुझे कॉस्टिंग कम कर दे रहा हूँ, नो डाउट, बट रिस्क इज अनडिफाइंड, राइट, रिस्क हमारा अनडिफाइंड हो रहा है इस केस में। अगर ऐसा कुछ करूं तो मैं कोशिश करूंगा ये दोनों डेल्टा को 15 रखने का, क्योंकि ये मेरा परचेज है, और ये दोनों को मैं सेल में 15 रखने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे थोड़ा सा वो एक्सट्रीम रेंज नहीं खेलना है, क्लोज रेंज खेलना है। बट यस, इसमें अपसाइड, अगर जब मार्केट अगर निकला, अगर समझिए ट्यूसडे 500 पॉइंट प्लस खुलता है, तो ये तो बहुत हर्ट करेगा, बहुत हर्ट करेगा, इसलिए आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वुड रैदर मेक इट एकदम सिंपल को,
और इसको करूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगेन प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आप कौन से दूसरे स्ट्रेटेजी सोच रहे हो या ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हो जो आपको लगता है एक प्रॉपर हेज बन गया। सो अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड ऑल द बेस्ट विथ योर पोजिशंस फॉर द कमिंग इवेंट।